Hello, I'm Barkha and welcome to the show World of Bollywood. Here we'll fill you in all the inside happenings of B-Town. Who signed which film? Who ditched whom? Hookups, breakups, link-ups. Everything presented to you in this half hour. But before that, let's check out what's making headlines today. शादी के 13 साल बाद अक्षय और ट्विंकल के बीच का रोमांस कैसे है बरकरार, दिखाएंगे एक मैगजीन के कवर शूट में। अरबाज खान और राहुल द्रविड़ एक बार फिर आए इन फोकस अपने शेविंग प्रमोशनल इवेंट के साथ। किसे और क्यों दे रहे हैं रणबीर कपूर डोंट क्रैक अंडर प्रेशर की सलाह, करेंगे ये रेवलेशन एक स्पेशल वीडियो में। शाहजान पदमसी किसे बता रही है पागल, जानेंगे एक स्पेशल स्टोरी में। इम्तियाज अली ने शेयर की अपनी अपकमिंग रणबीर दीपिका स्टारर फिल्म तमाशा के म्यूजिक से जुड़ी कुछ डिटेल्स। दिखाएंगे इमरान हाशमी और कंगना रनौत की रोमांटिक केमिस्ट्री इनकी अपकमिंग फिल्म उंगली के सॉन्ग पाकीजा में। लॉन्ग टाइम नो सी एक्ट्रेस गुल पनाग नजर आई एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन पर। रोर टाइगर्स ऑफ सुंदरबन की स्पेशल स्क्रीनिंग पर सभी टीवी स्टार्स ने किया फिल्म को जमकर सपोर्ट। आज के शो की शुरुआत करते हैं अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की इस लवी डवी केमिस्ट्री से, जो कि नजर आई 10 साल बाद एक साथ शूट किए उनके इस कवर पिक्चर के बिहाइंड द सीन्स में। टेक अ लुक। और मर्ज में दिलदार तू, खुद गर्ज में। आई हैव शॉट फॉर हेलो, इन फैक्ट द फर्स्ट कवर दैट आई एवर डिड आफ्टर आई वाज मैरिड वाज फॉर हेलो, आई स्टिल थिंक इट वाज माय बेस्ट कवर, सो आई एम होपिंग दैट द रिजल्ट्स फ्रॉम दिस आर एज नाइस। है शाम तू तारीफ में, तू चैन है तकलीफ में, तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज में। है ख्वाब तू ताबीर में, माना तुझे तकदीर में, तेरा हुआ इस भीड़ में, इस भीड़ में। है तेरी मेहरबानी के अंधेरों से हम मुकर गए। First experience for shooting for Hello Magazine, and that's the bridal issue. So as we all can see, and see, I'm the bridal kind of stuff, and I've been shot with her after a long, long time. At least about 10 years have passed since I've shot with her. To see the making of it, I was a quiet man, so I was more behaving like a bride. Tu hi to hai de wafa, tu barish meri, savera mera. मैं तेरा हम रास्ता है, कश्ती तेरी किनारा मेरा। एक और शेविंग सेशन, और इस बार इस शेविंग सेशन में ग्लैम फैक्टर ऐड करती कृति सनन। जी हाँ, अरबाज खान और राहुल द्रविड़ एक बार फिर नजर आए एक शेविंग ब्रांड के लेटेस्ट प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हुए, विच दे इंडीड डिड इन स्टाइल। ऑलराइट, 3, 2, 1, इट्स नॉट अ रेस बट गो। और हर बार जहां अलग अलग बॉलीवुड ब्यूटीज इनके इस एंडोर्समेंट का हिस्सा बनती हैं, वहीं इस बार ये मौका मिला न्यूबी एक्ट्रेस कृति सनन को, who managed it quite well. For me personally, I'm here to advocate the clean shaven look for men, and in my family, my father, my grandfather, everyone was always they had that clean shaven look. I remember a small incident with my Nanaji, that he used to have a bit of stubble and mustache and all, and I never used to let him kiss me because it used to irritate me on my cheek. So he actually went ahead and he shaved off his mustache, he shaved off his whole stubble for me to let him kiss me. So, I'm in that 75% category of women who prefer men being clean-shaven. But this sab ke alawa, there was no real element that caught our attention here. Isiliye jaate jaate humne in actors se inki upcoming filmon se judi ye details pooch li. Dolly ki Dolly abhi jo hai wo meri under production film hai, jo almost complete hai.
उसके सिर्फ एक छोटा सा स्केड्यूल बाकी है जो हम नवंबर में करेंगे, जिसमें हम करीब 3 गाने शूट करने वाले हैं और कुछ थोड़ा सा दो दिन का कुछ काम है, सीन्स वगैरह करें। उसके बाद दिसंबर में हमारा सारा प्रमोशन का काम शुरू हो जाएगा, म्यूज़िक रिलीज, ट्रेलर लॉन्च वगैरह। एंड वंस दैट हैपेंस देन वी आर लुकिंग फॉर अ अर्ली जैन रिलीज़ नेक्स्ट ईयर। अभी टेंटेटिव डेट 23 जैन है, लेकिन एक फॉर्मल अनाउंसमेंट कुछ ही दिनों में आएगा जब मैं श्योर होऊंगा कि कौन सी डेट करना है। Well, I will be doing Singles Bling with Akshay Kumar, being directed by Prabhudeva sir, and I'm also doing Farzi opposite Shahid Kapoor. Chaliye, here's wishing them good luck for their upcoming projects. चलिए अब आपको दिखाते हैं एक वॉच ब्रांड के लिए किए गए रणबीर कपूर के लेटेस्ट एड कैंपेन के बिहाइंड द सीन्स। Well, I think that's pretty much the headspace of the new generation, or the generation before me and after me. It's about how you deal with life, how you approach your work. We all have our own goals and certain mindset how we want to achieve things. So I guess it all comes down to don't crack under pressure and just deliver. There are a lot of guys actually who succeed in their time, but there are very few guys who succeed in changing their time. And these are the guys that we are calling time changers. I don't think I ever felt pressure. I felt a responsibility, that my family has been contributing for 80 years now to Indian cinema. And now I have to take that legacy forward, but I have to take it in my own individualistic way, with my own notions, with my own thoughts, with my own choices. So I think pressure is always used in a negative way. I think pressure can always be used in a positive way also. My favorite sport is football, because I've always had a natural inclination towards it. Since I was in school, I used to play for the school team, and I try and play every Sunday as much as I can. I think two people I idolize in my life. One is my grandfather, Mr. Raj Kapoor. For the kind of work he did, I was very young when he passed away, so whatever I know about cinema, about him, is through his work. And second would be Messi, because he's my favorite football player. I like the way he approaches the game, approaches his life, how concentrated he is on the field. Totally psychotic and mad. मेरे director सौरभ वर्मा एकदम पागल है. I'm opposite Shiv Pandit, वो भी पागल है. And there's Ketan also who's playing Jerry, वो भी oh my god, आप पूछो ही मत, वो एकदम पागल है. हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है. हम पागल. And I think इस film के बाद मैं पागल ही हो जाऊँगा. लॉन्ग टाइम नो सी शहजान पदम सी इज बैक, और बहुत जल्द वो नजर आएंगी एक पागल एंटरटेनर में टाइटल मीट द पटेल्स, जिसके लिए वो है काफी एक्साइटेड. इट्स एन एब्सोल्युटली मैड आउट एंड आउट कॉमेडी. दिस इज द सेकंड आई एम डूइंग कॉमेडी, सो इट्स समथिंग आई एम अ लिटिल बिट फैमिलियर विद. एंड व्हेन आई मीन क्रेजी, इट्स रियली रियली हिलेरियस. व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई बर्स्ट आउट लाफिंग लाइक 10 times throughout. I couldn't stop, like when I had to stop reading the script, because I had these fits of laughter. So I think the audience and you guys are gonna absolutely love it and gonna like burst out laughing when you see it, because it's crazy and it's mad.
और इस फिल्म में अपने क्वर्की गुज्जू गर्ल रोल के बारे में शजान ने हमसे शेयर की कुछ डिटेल्स भी। माय कैरेक्टर नेम इज हेतल गांधी। नाउ सीरियसली, डू आई लुक लाइक हेतल गांधी? नो, राइट? दैट्स व्हाट आई थॉट एज वेल। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक प्लेइंग अ गुज्जू गर्ल इज गोना बी वेरी डिफरेंट टू हू आई रियली एम, यू नो। So it's going to be a bit of a challenge. And yeah, Hetal has a lot of quirks. She's no less. You know, she's as crazy. And I'm going to let you in on a little secret. She goes from the age of 25 to 50 in the film. Don't ask me how. When you go to the theater and you see the film, you'll be like, oh my God. And please don't tell my director I told you that, yeah? वैसे कहाँ थी शजान all this while? Why was she missing from the limelight? Actually, I did vanish for a little bit, so I apologize. I know a lot of people are thinking, where has she vanished off to? But I was learning a lot. I've been working on music with my mom. My mom, Sharon Prabhakar, she is a very well-known singer. So we were actually working on a show, a kind of a musical, which is called The Magic of Motown. Well, good luck to her on her singing career and also for this film. अब देखना ये है कि इस फिल्म में कितनी पागल नजर आती है शजान. मेरे director सौरभ वर्मा एकदम पागल है. I'm opposite Shiv Pandit, वो भी पागल है. And there's Ketan also who's playing Jerry, वो भी, oh my god, आप पूछो ही मत, वो एकदम पागल है. हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है. हम पागल, and I think इस फिल्म के बाद मैं पागल ही हो जाऊंगा. हमारा दिमाग खराब है. सोच के परेशान हो गया हूँ. क्यों? ये बसंती अब तक सिंगल कैसे है? शायद मुझे आज तक मेरा तांगे वाला हीरो मिला ही नहीं. हीरो होंडा वाला हीरो चलेगा. This time I'm trying to really get the songs out very very soon. Let's see what happens. That's for Tamasha. That's for Tamasha. How many songs is it gonna have? Well, it's in the script 8 now. जी हाँ, इम्तियाज अली की रणबीर और दीपिका स्टारिंग नेक्स्ट फिल्म तमाशा होगी एक म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंस जिसमें होंगे 8 सॉन्ग्स. दिस टाइम आई एम ट्राइंग टू रियली गेट द सॉन्ग्स आउट वेरी वेरी सून. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. दैट्स फॉर तमाशा. दैट्स फॉर तमाशा. हाउ मेनी सॉन्ग्स इज इट गोना हैव? वेल, इट्स इन द स्क्रिप्ट 8 नाउ. कैन यू सिंग वन फॉर अस? सिंग? नो, आई डोंट वांट टू लाइक किल द सेल्स राइट नाउ.
तमाशा को लेकर इम्तियाज ने ये रेवलेशंस किए एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस मिक्स रेडियो म्यूजिक कनेक्ट पर, जहां म्यूजिक पर हुए एक स्पेशल डिस्कशन में इम्तियाज ने बताई सिनेमा में म्यूजिक की इम्पोर्टेंस। आई थिंक म्यूजिक इज अ वेरी डेंजरस क्वांटिटी। आई फील दैट म्यूजिक इज इंट्रिंसिकली सो पावरफुल दैट इफ इट इज सेल्फिश इन अ फिल्म it can really disrupt and destroy the story. So I kind of, in a movie, look at music as a kind of an energy which can make or mar. I've seen many movies and I've tried out in many of my movies. और तो और यहाँ इम्तियाज ने शेयर की उनके और म्यूजिक डायरेक्टर फ्रेंड प्रीतम के स्ट्रगलिंग डेज पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी। When I got the break to be a music, to be a film director, I told the producers and the team that you know, there's Pritam. He's a very talented music director. We'll make good songs and they'll all get very popular, etc. But they said, yeah, it's everybody's first film. We need a music director who has done films before and we know he's good, etc., etc. It's too much of a risk otherwise. So then I went with, I was asked to meet Sandesh Chandilya. And I met Sandesh and did the movie with him and had a great time and we struck a great friendship and even today I spoke to him and we are all friends. Anyway, so by the time I went to make my second movie, so then I was like, you know, I had plans of making brilliant music with Sandesh by then. So I told the producer that, you know, I'd like to work with Sandesh on this one. And again, the producer was very open-minded, etc., but said, yaar, ऐसा करते हैं कि लेट्स टेक समबडी हु हैज़ अ बिगर बेटर रेप्यूटेशन हुज़ मेड मोर फिल्म्स एंड मोर हिट म्यूजिक एंड ऑल बिकॉज योर फर्स्ट फिल्म डिडंट रियली हैव वेरी लाइक पॉपुलर म्यूजिक सो व्हाई डोंट यू वर्क विद प्रीतम। वेल तो ये रहे इम्तियाज अली एट अ डिस्कशन ऑन म्यूजिक। गुड लक टू हिम फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म तमाशा। बॉलीवुड एक्ट्रेस गुलपनाग जिन्हें बिग स्क्रीन पर देखे एक अरसा हो गया है, रिसेंटली नजर आई लॉयर निशित भट्ट की फोटो एग्जीबिशन को इनॉगरेट करते हुए। हियर गुल लुक प्रिटी एज शी पोज्ड ग्रेशियसली फॉर द शटरबग्स। वैसे डिस्प्ले पर रखे फोटोग्राफ्स को गुल यहाँ काफी बारीकी से परख रही थी और इनसे गुल नजर आई काफी इम्प्रेस। जो कहानियाँ इनकी तस्वीरें सुनाती हैं, बताती हैं, बहुत दिलचस्प है। लेकिन यहाँ एक फोटोग्राफ ने ग्रैब की गुल की अटेंशन। वहाँ देखेंगे तो एकदम सूखा पड़ा हुआ है दोनों तरफ और बीच में जहाँ नदी गुजरती है वहाँ पर इतनी हरियाली है, तो एक तरीके से एक कॉन्ट्रास्ट है। ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं इनके बारे में, बस अपनी दिनचर्या में इतने बिजी रहते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो प्राकृतिक तौर पर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है उन्हें हम ऑब्जर्व ही नहीं करते, और तब जब ये तस्वीरों में कैप्चर होती हैं तब हमें सोचने का मौका मिलता है। गुल, जितनी बारीकी से आपने इस फोटो की डिटेल्स को समझा, वी आर श्योर आपको खुद भी फोटोग्राफी में काफी इंटरेस्ट होगा। जब जा रही होती मैं तो मैंने अपना फोन ही अपना एक औजार बना लिया है, उससे फोटो खींचती रहती हूँ। कोई दिलचस्प चीज़ लगी तो उसकी फ़ोटो खींच ली। तो मैं हाल ही में मैं नेपाल में थी, वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि कन्वेयर बेल्ट पे सामान कम और टीवी ज़्यादा थे। सब जो भी काठमांडू आ रहे थे पैसेंजर जहाँ जहाँ से आ रहे थे भर भर के टीवी लेकर आ रहे थे, इतनी टीवी था। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वी कैप्ट टेकिंग पिक्चर्स ऑफ टीवीज। वेल गुल, हम तो बस यही कहेंगे कि आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, क्योंकि एक्टिंग में तो आप सक्सेसफुल नहीं रही, कम से कम फोटोग्राफी को एज अ बैकअप करियर ऑप्शन बनाना फ्यूचर में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। फॉर स्मिता आयल, जिंग, मुंबई। The film is nice. It's a great concept. The commitment to make this film is tremendous. I have never seen such kind of effects in any film. It's a next benchmark for anybody who is trying to
make such kind of film. ये है उन टीवी सेलेब्स के रिएक्शंस जो डायरेक्टर कमल सदाना की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म रोर टाइगर ऑफ द सुंदरबन देखकर बाहर आए थे. रोर मैंने जितना अच्छा एक्सपेक्ट किया था ना उससे भी बहुत बहुत अच्छी है. बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है. डायरेक्टर ने बहुत बहुत अच्छा काम किया है. Roar is roaring and I'm very happy to watch this film. It's a must watch guys. Go watch it. It's a super duper hit film. It's like my favorite. मजा आया. Gets a roar from my side. जरा जीने दे. टाइगर्स को मारना गलत है दादा. दरअसल ये थी इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग जिसे ऑर्गेनाइज किया था फिल्म के एक्टर अभिनव शुक्ला ने उनके टीवी इंडस्ट्री के फ्रेंड्स के लिए. और अभिनव के फ्रेंड्स ने दिल खोल कर की फिल्म में उनके काम की तारीफ. अभिनव शुक्ला इज टू वॉच आउट फॉर इन द फिल्म. ही इज सुपर्ब. अभिनव को देखकर बड़ी खुशी हुई एंड ही इज अ वेरी डिजर्विंग बॉय. वेरी डिजर्विंग बॉय. दोस्त तो करेंगे यार अप्रिशिएट एक्टिंग को. लेकिन यार मेरे को दोस्तों के अलावा क्रिटिक्स ने भी और बहुत सी जनता ने कमेंट्स भेजे हैं जो कि वो न्यूट्रल लोग हैं. तो बहुत खुशी है जान के कि लोगों को मेरी एक्टिंग पसंद आई. और सबसे बड़ी बात लोगों ने बोला है कि मैं कैरेक्टर में फिट हूँ. लोग आ रहे हैं आज भी ऑलमोस्ट 60-70% हाउस फुल था. जो लोगों को जवाब चाहिए था यार एक अलग फिल्म क्यों नहीं बनती, एक हटके फिल्म क्यों नहीं बनती, हर जगह वो लड़की नाच रही है रोमांस हो रहा है, तो उसका जवाब आपके सामने है. अभिनव उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये फिल्म और भी अच्छा परफॉर्म करे. एंड दिस फिल्म रोर्स एट द बॉक्स ऑफिस एज वेल. हियर्स विशिंग यू ऑल द बेस्ट. सदियों से यहाँ पर जानवरों पर अन्याय होता आया है. So that is all for now, but stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zinc.